नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज बजट से संबंधित प्रोविजंस को बताने के लिए आया हूं। ये सिर्फ पर्सनल टैक्सेशन के ऊपर जो जो पॉइंट एप्लीकेबल है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो लिमिट है टैक्सेशन का 5 लाख हो गया है, मतलब 5 लाख से पहले पूरा एग्जेम्पशन हो गया। यस नो? एग्जेम्पशन कुछ नहीं हुआ है, 5 लाख तक का जो टैक्स आएगा वो टैक्स का छूट मिल गया है। इसका मतलब 2.5 लाख रुपए तक हमारे को वैसे भी छूट थी पहले पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अब जो आगे का 2.5 लाख रुपए है उस पर रिबेट हमारा मिल गया है टैक्स का। इसका मतलब है कि 12,500 रुपए का टैक्स आता तो वो 12,500 रुपए का रिबेट हमको मिल चुका है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये टैक्स की छूट नहीं है, टैक्स का लिमिट नहीं है, केवल 5 लाख रुपए तक के टैक्स का रिबेट हमको मिल चुका है। कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरी वालों को मिलता है वो 40,000 रुपए था पहले, अब वो 50,000 रुपए हो गया है। इसका मतलब 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको मिलेगा ही मिलेगा, उतने की छूट उनको पक्का मिलने वाली है। कि जो TDS 1,80,000 रुपए तक रेंट, 1,80,000 से ज्यादा रेंट अगर होता था तो फिर TDS काटने की जरूरत पड़ती थी 10%, लेकिन अब वो 2,40,000 रुपए हो गया है। तो अब TDS 2,40,000 जहां पे टच करेगा या क्रॉस करेगा उसके बाद ये TDS काटने की जरूरत पड़ेगी। तो रेंट वाले लोगों के लिए जो रेंट पर देते हैं उनके लिए भी सुविधा है और जो रेंट पर लेते हैं उनके लिए भी सुविधा है। पोस्ट ऑफिस में अगर 40,000 रुपए तक का आपका ब्याज आता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, तो ये एग्जेम्पशन बहुत अच्छी बात है। जो अनसोल्ड हाउसेस का नोशनल रेंट होता है, 1 साल के बाद बिल्डिंग कंप्लीशन हुआ उसके 1 साल के बाद नोशनल रेंट लगने लग जाता है बिल्डर को, अगर उसने किसी को बेचा नहीं है तो, वो वाला 1 साल को बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया। ये फायदा है बिल्डर लोगों के लिए। तो वो 1 साल के अंदर जो हड़बड़ी में बेचने की कोशिश करते होंगे अगर, तो वो 2 साल का समय मिल गया, बट बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। फिर भी ये वाला प्रोविजन बिल्डर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का फायदा जरूर देने वाला है। एक सेक्शन है 80IBA, इसके अंतर्गत अगर हमने रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ले लिया और अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक हमने अप्रूव करा लिया तो हमको उसके 100% प्रॉफिट की छूट है। इसका मतलब 1 रुपए भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये वाला काम बहुत जबरदस्त, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कहा कि 24 घंटे के अंदर जो रिटर्न हम भरेंगे उसको वो प्रोसेस कर देंगे। इसका मतलब अपना सर्वर स्पीड को एकदम फास्टेस्ट कर लेने वाले हैं। तो ये फायदा जरूर होने वाला है कि जल्दी से प्रोसेस होगा तो उस पर एक्शन जल्दी होगा और रिटर्न भरने वालों को भी इतनी जिम्मेदारी रहेगी कि भाई गलत भरे तो भी 24 घंटे में पता चल जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी टैक्स डिले नहीं होगा, ना ब्याज देना पड़ेगा ना ब्याज लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो काफी सारे चीजों में टैक्स की सुविधा हमारे को हो गई है। 5 लाख रुपए तक पूरा टैक्स हमारा नहीं लगने वाला है क्योंकि उस वहां तक के 12,500 तक का रिबेट हमको मिल चुका है। उसके बाद के 1.5 लाख रुपए का सेक्शन 80C और रिलेटेड सेक्शन के डिडक्शन आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब 6.5 लाख रुपए यहां पर हो गया। 50,000 रुपए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आप पैसे डाल सकते हो तो ये 7 लाख रुपए हो गए। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट अगर 2 लाख रुपए आपने डाला तो ये आपके 9 लाख रुपए हो गए। 9 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगा। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने लगाया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000, तो 9,50,000 की छूट हो गई। और भी टिप्स बताऊं क्या? देखिए 80G का डिडक्शन जो होता है वो हमारी टोटल इनकम के 10% तक अगर हमको छूट मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा टोटल इनकम 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए का 10% मतलब 1 लाख रुपए तक का सेक्शन 80G का डिडक्शन भी आप बेनिफिट में ले सकते हो। मतलब 9.5 लाख जो मैं कह रहा हूं वो 10.5 लाख रुपए तक आप आराम से जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसीलिए 10.5 लाख रुपए तक आपके टैक्स तो बचने वाले हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या होने वाला है, एक छोटी सी चर्चा, बाकी डिटेल बात करेंगे। फायदा यह है कि लोग पैसे मार्केट में लाने लगेंगे। ये जो बजट है इतना ज्यादा फ्रेंडली लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, लोग इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, लोगों का इन्वेस्टमेंट का आदत पड़ जाएगा, टैक्सेस कम देने पड़ेंगे, पैसा मार्केट में आएगा, रोजगार बहुत बढ़ने वाला है। तो रोजगार बढ़ेगा तो पर पर्सन आय इनकम बढ़ने लगेगा, लोगों का स्पेंडिंग हैबिट्स बढ़ेगा, कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, ऐसा करके हमारा इकोनॉमी ग्रो करने वाला है। तो पहली बार चार्टर्ड अकाउंटेंट माननीय CA पीयूष गोयल जी ने, ये जो कि इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये बजट रखा, बेहतरीन बजट रखा, सर सलाम है।
सारी चीजें सबको लेकर नहीं जा सकते, लेकिन उसके बाद भी एग्रीकल्चर से लेकर सारे सेक्टर में आपने इतना सारा छूट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप ये सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का और जवाब जरूर देने वाला हूँ। शेयर लाइक करते रहिएगा, मुझे मोटिवेशन आप लोगों से ही मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।